हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट और इसमें हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग भी बताना आपका क्या स्कोर रहा इस सेशनल मॉक टेस्ट में। ओके, एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पीडीएफ वगैरह और लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, ठीक है, करेंट्स की पीडीएफ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगी। सो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट जो है हमारे पास, ये पजल टाइप है तो इसको अभी स्किप करते हैं। सबसे पहले हमें छोटे क्वेश्चंस ढूंढने हैं। तो ये क्या है, कंसीडर अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, तो सीरीज है और डायरेक्ट हमें स्टेप वगैरह ही दिए हुए हैं, तो इसको कर लेंगे, अभी करते हैं स्किप। ठीक है, छोटी सी ये पजल लग रही है। टू कंसेंट्रिक हेक्सागोनल टेबल्स हैं जो कि ओके वन इज पर्सन है पर्सन सिटिंग ऑन ईच कॉर्नर, ऑल ऑफ द ऑल द पर्सन आर फेसिंग द सेंटर। तो यही कर लेते हैं, छोटी सी पजल दिख रही है अभी एक, ठीक है। तो हेक्सागोनल हमें बनाना है, तो ये हो गया हेक्सागोनल, दो बनाने हैं तो दो हो गए। ठीक है, एंड ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस है इनका। आगे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद वोवल इज सिटिंग इन द आउटर टेबल। ओके, वोवल वाले बाहर के टेबल पे होंगे नहीं। एक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एक्स हो गया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। वन पर्सन सिट जी एंड एन, एन सिट एग्जैक्टली बिहाइंड यू, एन सिट एग्जैक्टली, तो यू अंतर हो जाएगा बाहर, ये यू बाहर एन हो जाएगा। अब जी और एन में एक का गैप था, जी और एन इधर, एक का गैप जी और एन इधर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर क्या है, टी सेकेंड, टी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, टी हो जाएगा सेकेंड टू द राइट, ये हो गया। ओ ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ए और ओ इमीडिएट नेबर्स हैं। क्यू सेकेंड, क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। ई एच और ई इज सिटिंग इन द सेम लाइन, ओके, बट एच इज नॉट एग्जैक्टली बिहाइंड, बिहाइंड ई नहीं होगा, और ये दोनों ही एक ही लाइन पे होंगे, ये ठीक है। और पी इज नॉट नेबर ऑफ एच, पी और एच भी नहीं होंगे, तो अभी हमें इनको फिक्स करना होगा। तो कैसे करेंगे, अब हम ए और ओ हमें अंदर ही लेने होंगे, ठीक है। तो ए और ओ, ओ के सेकेंड टू द राइट, ओ इधर हो सकता है, ओ इधर भी हो सकता है। अब जी इसने गड़बड़ कर दिया, जी हमारा वन पर्सन जी और एन दे रखा है सिर्फ, ओके, तो भाई कैसे बनाए, कैसे बनाए, अगर मैं इधर ओ लेता हूँ, ओ इधर ले लिया, देन फिर ओ और फिर इधर क्यू, देन ई हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। कुछ और मिस कर रहा हूँ क्या मैं इसमें, नो पर्सन हो गया, एक्स इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हो गया, एक्स हो गया, वन पर्सन सिट जी और एन, एन एग्जैक्टली बिहाइंड यू, T is second to the right of U, ये भी हो गया, A is an immediate neighbor of O, Q second to the right of, ये भी हो गया, H और E is sitting on the same line, तो भाई हमें और भी ज्यादा लेने पड़ेंगे फिर तो। इधर T हो गया, U हो गया, N, G, ओ ओ के लेफ्ट राइट हो गया, क्यू इधर आएगा ए, ठीक है। फिर हम कहाँ ले सकते हैं, इधर ओ इधर नहीं आएगा, ओ
क्यू ए एक बच गया, ई आएगा इधर। ठीक है, पहले हम इन्हीं से देख लेते हैं कुछ बनता है तो ई एग्जैक्टली बिहाइंड इधर होगा नहीं एच, लेकिन एक ही लाइन पे होंगे तो एच इधर हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जैक्टली बिहाइंड इधर नहीं हो सकता, इधर ये हो नहीं सकता, तो ये खत्म हो गया। अब क्या बचता है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पी और एच एक साथ नहीं होंगे, एच इधर पी आएगा नहीं, ये हो गया। एस एस के सेकेंड टू द लेफ्ट लेफ्ट हो गया, तो ये तो बन गया हमारा, सही हो गया, और बनाने की जरूरत ही नहीं है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, इमीडिएट राइट है हमारा जी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू क्यू एंड ई लेफ्ट ऑफ ई, क्यू और ई लेफ्ट ऑफ ई, वन, सिर्फ एक ही है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू और ई टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो लेफ्ट ऑफ ई सिर्फ एक ही है इधर ये। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएटली, सिटिंग इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ एक्स, फ्रंट ऑफ एक्स जो कि ये हमारा क्या है, ओ है ना, हाँ ओ है, ओ आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इमीडिएट नेबर्स ऑफ द पर्सन सिट एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ, एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ ए, बिहाइंड ऑफ ए तो सिर्फ एच है। पेयर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ द पर्सन, अच्छा नेबर्स पूछा है तो नेबर्स है एक्स और एस। ठीक है, फॉलोइंग पर्सन, ओके टी और टी हो गया, एस हो गया, क्यू जी, जी इधर क्यू इधर, ठीक है, ई और एक्स भी ठीक है, ओ और एन भी ठीक है, ए और पी, अब है तो ये भी ठीक। दोबारा देखते हैं, टी और ये हो गया, क्यू जी हो गया, ई ई और एक्स नहीं होगा, ये गलत है, ओ एन ठीक है, ए और पी भी ठीक है। ठीक है, तो ये एक है हमारे पास ब्लड रिलेशन, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। देन फिर चाइनीज कोडिंग लग रहा है ये, तो एक्ट का एक्ट वन एंड टू इन दोनों में मिलेगा, पी के है, ठीक है, एक तो पी के हो जाएगा, तो पी के इन दोनों में है। दूसरा देखते हैं, ओवर, ओवर एक और दो इनमें ही मिलेगा, जे आई एफ एक्स सी आर, तो यही हो जाएगा। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग को स्किप करेंगे। सैटेलाइट वो सेंड टू एन ऑर्बिट अबाउट ए प्लेनेट फॉर ए डिफरेंट सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। एट स्टूडेंट है रिटर्न फ्रॉम द हेल्थ कैंप, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, जो भी है बाद में देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमें ये क्या बताना है भाई, रिप्लेस इन द गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय द थ्री कंक्लूजन वन टू एंड थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सो दैट द ऑल द कंक्लूजन बिकम्स ट्रू। पहला क्या है, बी ग्रेटर देन के, तो बी ग्रेटर देन बनाने के लिए हमें इसको रिप्लेस करना होगा सबसे पहले, तो ये रहा इसकी जगह ग्रेटर देन बोथ ए और डी, तो ए तो है ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, सबसे पहले तो हमें इसे रिप्लेस करना होगा। चलो देख लेते हैं, तो ये वाले जितने भी सिंबल हैं इनको बी ग्रेटर देन के लिए हमें जाना पड़ेगा, ई ई ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, एम ग्रेटर देन आर, एम ग्रेटर देन ई और ई बी, ये भी ग्रेटर देन, ठीक है, बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, हाँ ठीक है, तो यही होगा, डेफिनेटली ट्रू, सी ग्रेटर देन एफ, सी ग्रेटर देन एफ सही है इसमें, और सी ग्रेटर देन एफ ये भी सही है। बाकी देखते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पहला ही ठीक है, तो यही हो जाएगा, मैच द कॉलम है कि ठीक है, पी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, जे ग्रेटर देन तो वन ए में हो जाएगा, पी ग्रेटर देन जे सेकंड बी में, ए वन सेकंड बी होगा, ए वन सेकंड बी, ए देन फिर ओके, तो ये है, देखते हैं इसमें क्या कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर ये कुछ था इनपुट, और टू थ्री ए,
ए आ गया 4 SATs, ए भी SATs, लेट्स सी, 2A हमारा चला गया, ठीक है, ये भी, तो यहाँ से एफ कहाँ से आ गया अभी? ओके, एफ स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग वाला ये बिल्कुल लास्ट में डाल दिया इन लोगों ने। अब फिर क्या किया, 4 को उठा लिया, 1 सेकेंड, 4 नहीं, 2, 1 क्यों नहीं उठाया? लेकिन नहीं समझ में आ रहा भाई, इसको स्किप ही करते हम। ओके, सम पैट्स आर 5, सम पैट्स 5, सम 5 बैट्स, ऑल बैड, ट्रायंगल, ठीक है, सम ट्रायंगल 5, सही है, बैट्स आर क्रैक, ये कब आया? ओके, सम ट्रायंगल्स क्रैक, ट्रायंगल्स क्रैक, सम बैड क्रैक, बैड क्रैक नहीं पता, सम ट्रायंगल्स पैड, ट्रायंगल्स पैड ये भी गलत है, तो ओनली 1 आएगा, एक सेकंड, सम क्रैक 5, ये भी नहीं है, तो ओनली 1 ही आएगा इसका। होल पेंसिल, पॉकेट और ऑल सर्कल जो कि पॉकेट है, ऑल रिंग, ऑल रिंग्स, पेंसिल, सम पैक पॉकेट, सम पॉकेट कर्ल्स हो जाएगा, ठीक है, कर्ल्स रिंग्स नहीं, सम सर्कल रिंग, ये भी गलत है, ऑल रिंग आर पॉकेट, रिंग्स आर पॉकेट, ये सही है, थर्ड वन सही है हमारा, सम पेंसिल कर्ल, पेंसिल कर्ल ये गलत है, ओनली 3 आएगा इसका, ऑल हब शॉर्ट्स, सम शॉर्ट्स, यूएसबी, ऑल यूएसबी, रूफ नो रूफ, स्टीम, ठीक है, तो सम स्टीम शॉर्ट्स नहीं पता, रूफ शॉर्ट्स, रूफ जो भी शॉर्ट्स सही है, नो स्टीम शॉर्ट्स, स्टीम जो भी शॉर्ट्स ये भी गलत है। यहाँ पर सम और नो का जो केस इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पर आइदर और भी आएगा, तो आइदर और 1 और 3 और सेकेंड फॉलो, तो ये भी देख लेते, सम यूएसबी हब, यूएसबी हब गलत है, यानी कि सेकेंड फॉलो ही आएगा सिर्फ। ओके, तो अब है हमारे पास, ये देख लेते हैं इनपुट क्या दिया है, यहां से ये बना है 3 दूनी 6, नहीं 98 कैसे बन सकता है, 4 3 7 3 2 5 नहीं बन रहा, 3 3 9 और 4 2 8, ठीक है, देन फिर इसमें 4, ये इसके साथ है ये पेयर, 4 2 8 और 7 सही है, 6 1 6 और 3 1 3 3 9, ठीक है ठीक है, ये भी सही है। बाकी फिर अब ये कैसे आया है इसमें, 9 और यहां से भी आएगा, इन तीनों से बना है ना, 9 और 8 17 हो गया, 17 और 6 23, ठीक है, यहां से बन गया। ओके, 9 और 7 16, 16 और 8 24, ये भी ठीक है बन गया। बाकी 3 डिवाइड बाय 2 कर दिया इसने, तभी आएगा हाफ, 1 एंड हाफ, तो और इसको इससे डिवाइड कर दिया, देन इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इजी है ये तो बिल्कुल। तो यहाँ पर है, फिर है 1 एंड 4, 3 7, 2 1, 2 5, लास्ट वन क्या है, 1 एंड 3, ठीक है, देन इसने जो लिया था 2 छोड़ करके, तो इसका और इसका बनेगा, इसका 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 और इसका, ठीक है, तो ये दोनों बनेंगे, तो इसमें कैसे गया था इसने, 3 3 9, 8 1 8 हो जाएगा, 4 2 8, यहां से हम देखें तो 5 4 2 8 3 7 3 इधर, तो 21 बन गया भाई, अब तो 21 हमें लिखना पड़ेगा क्या, आई थिंक जो भी आए लिखना तो पड़ेगा ही, 1 एंड 3 ही है इधर, तो जैसा भी है ठीक है। तो फिर क्या किया था इन्होंने, इसको ऐड कर दिया था,
फर्स्ट वाले ऐड करेंगे, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 1 एंड 6, और इधर 29 तो ये हो गया 8, तो यहाँ पे आएगा 7, 37। फिर क्या था, डिवाइड गया था तो इधर आएगा 6, 7 को 3 से, अब ये कैसे होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट। ये जो है हमारा स्टेप नंबर 1 था, 2 था और 3 था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑब्टेंड इन द स्टेप 3। तो 7/3 इंटू 6 करेंगे 2, 7 दूनी 14 है मेरा, तो ये अभी इधर 14। अब जिस तरीके से होना चाहिए वही तो मैंने किया है, तो यहां से इन दोनों का तो 8 बनेगा, 4 दुनिया 8, अब इसका 5 और 4 दुनिया 8, फिर इसका 3 तिया, नहीं तीन तिया नौ, 4 दुनिया 8, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, 3 तिया 9 आना था और 7 एकम 7, ये आएगा इसका, ठीक है, ये 9 आएगा और इधर 7 आएगा। वो दोबारा चेक कर लेते हैं हम, 5 आ गया, 4 दुनिया 8 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा, 9 8 17, 17 और 5, 7 5 12 22 आएगा इधर, इधर आ गया 22, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 आएगा इधर। अब ये 23 जब आया है तो इधर 1 आ गया और इधर 1.5, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा 1.5 ही आ जाएगा एंड लास्ट वन आएगा 0.5, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 2 3 एंड 4 हो गया ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेंड इन स्टेप फर्स्ट, डिफरेंस इन द नंबर एंड सम इनका एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, तो 8 या 24 तो ये हो गया, फिर कितना है 16 17 18 19 20 21, 5 और 4 45 तो ये हो गया, एंड एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन द ऑब्टेंड इन ऑल अदर स्टेप्स, ओके, तो यहाँ से कितना बना, 2 3, 2 और 1 3 हो गया, 3 तो यहाँ से होगा 2 4 6 7 8 9, 9 और 3 12, 12 माइनस करेंगे 3, 33 आना चाहिए। फाइनल स्टेप जो है हमारा 0.5 है, ओके, तो इसको स्किप करते हैं। फिर क्या है, 8 कलीग्स हैं जो कि आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर एंड वर्किंग देन लेफ्ट डिफरेंट टाइम कैप ऑफ 1 आवर, तो इसको स्किप करते हैं भाई अभी, ओके, तो छोटी पजल है इसको कर लेते हैं। 7 पर्सन आर लिविंग इन ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, द लोमोस्ट फ्लोर इज द नंबर 1, 7 6 5 4 3 2 1, प्री लेवल की पजल, देन इसमें क्या बोला है, आर लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट, आर अगर लोअर मोस्ट में ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन टी एंड US is 6th floor, neither T, U or P, the top, T, U or P इधर नहीं आएंगे, तो T और U का 2 का गैप बनाना है अब हमें, ये हो गया। फिर क्या है, V lives on the odd number floor below S, below S तो कौन सा है, V इधर आ जाएगा, P बच गया हमारा, P इधर, फिर क्या बच गया, Q इधर आ जाएगा, कौन सा सही होगा, विश्वम ऑन द फॉलोइंग इज इमीडिएटली अबव वी, तो दोनों में ही पी है तो पी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, रो 1 आर फेसिंग टू द ईस्ट, तो रो 1 है जो कि फेस कर रही है ईस्ट में,
इसको ऐसे ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2। ऊपर वाली में कौन से पी क्यू आर एस टी हैं, ठीक है। एस इज थर्ड टू द, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी हमने इधर मान लिया, 1 2 3, 2 3 हो गया, एंड टी फेसेस सी, सी टी 1 2 3, एक और बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, सी टी इधर ऐसा आएगा, सी टी एस हो गया। ओ सी हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फिर आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू फेसेस बी, यू फेसेस एफ, एफ हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। इसको सेट करते हैं हम, अगर ए इधर तो 1 2 3 4th, ए हो गया, एफ हो गया यू। अब इसमें ए इधर तो ए इधर 1 2 3 ये नहीं बनेगा, ए इधर लेता हूँ 1 2 3 4, ए एफ एंड यू हो जाएगा, तो ये खत्म। अब बी क्यू बी और 1 2 R इधर आ जाएगा, क्यू बी 1 2 और R इधर आ जाएगा, पी बच गया, पी इधर, ठीक है। एस इज सिटिंग इन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एस एंड पर है, ये नहीं है। ए हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड, ए बी एंड पर हो गया, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग फेसेस डी, टी को डी कहाँ है, डी इधर आ जाएगा, डी को फेस कर रहा है पी। अब कौन से करना चाहिए भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो हाँ ये करना है मुझे एक बार, एक तो ये देख लेते हैं। नंबर इन सिंबल्स इन टू लाइन्स टॉप एंड बॉटम, ओके, दो लाइन्स को लेकर के चलना है। वैसे ही थोड़ा इजी होता है तो इसी को करते हैं हम। 8V DX7 DX7 सी आर ई एरो 2 4 N बैक एरो जेड पी जी बी थीटा ओमेगा 1 N T। बॉटम वाली लाइन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू वाई ओ के डेल्टा 9 U 5 इन्फिनिटी F 3 क्यू पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू H W M एंड 6 A और डिवाइड। फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, ईच सिंबल सॉरी ईच सच सिंबल्स इन द बॉटम लाइन, बॉटम लाइन में दैट इज इमीडिएटली सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली सक्सेसिव बाय द नंबर should be replaced should be placed immediately left of ये forward arrow immediate left, तो इधर बनाना है हमें कैसे, तो ये ढूंढ लेते हैं सिंबल, और ये हमें बॉटम वाली में ढूंढना है सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर फिर नंबर, ठीक है। एक तो ये हो गया सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर दो हो गए, तो दो ही है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट सिंबल पिक्ड फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि ये राइट एंड शुड बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिस, एंड द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड शुड बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, ठीक है। तो 8V DX7 CRE, अब हमें इमीडिएट लेफ्ट बनाना है, ये तो पहले ही आ जाएगा, फिर ये देन फिर एरो 2 4 N Z P G B थीटा ओमेगा 1 T ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई ओ के 9 U 5 3 Q पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू H
डब्ल्यू एम सिक्स ए और सेकंड वाला क्या बोल रहा है देख लेते हैं. ईच सच नंबर इन द बोथ लाइन्स दैट आर दैट इज इमीडिएटली नंबर्स बोथ आर इमीडिएटली सक्सेडेड बाय इमीडिएटली प्रीसीडेड सक्सेडेड बाय लेटर शुड बी रिप्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी. इमीडिएट राइट ऑफ जी तो सिर्फ इसी में था फिर ये. ठीक है तो ये यहीं पे आना चाहिए. भी नंबर और दोनों आगे पीछे उसके लेटर्स होने चाहिए. तो एक तो हो गया सेवन स्टार्टिंग में तो कोई है नहीं तो सेवन हो जाएगा. सेवन नंबर्स को देखते हैं आगे पीछे. नंबर्स तो और इसमें कोई है नहीं और तो कोई नहीं है. नीचे नंबर एक ही हो गया दूसरा थ्री हो गया एक ही हो जाएगा. तो एक दो तीन और चार हो गए. ठीक है इमीडिएट राइट ऑफ जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर न्यू सीरीज फ्रॉम फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर इज प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ जी लार्जेस्ट. ठीक है एट वी डी एक्स सी आर ई डेल्टा एंड टू फोर एन जेड पी जी. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है 9 7 6 3 बी थीटा ओमेगा वन एंड टी. ठीक है देन फिर सेकेंड लाइन लेस देन इक्वल्स टू वाई ओ के यू फाइव इन्फिनिटी एफ हो गया क्यू पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच डब्ल्यू एम ए फिर देन थर्ड वन. ईच सच लेटर इन द टॉप लाइन ईच सच लेटर इन द टॉप लाइन इमीडिएटली प्रीसेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली सक्सेडेड बाय द सिंबल शुड बी प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू. तो और ये देखना है टॉप लाइन में. टॉप लाइन में नंबर लेटर सिंबल तो नंबर को देखते हैं. नंबर लेटर सिंबल तो लेटर पकड़ते हैं. नंबर लेटर नंबर ये क्या है भाई ओके थ्री है. नंबर लेटर सिंबल एक ही हो गया. तो सिर्फ दो ही है इसमें तो और तो कोई लग नहीं रहा. ठीक है दो हो गए तो इनको अरेंज कैसे करना है अब. शुड बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिस. ठीक है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बाकी हम बना लेते हैं पहले यू एट डी एक्स सी आर ई टू फोर हो गया और फिर ये एन चला ही जाएगा जेड पी जी 9 7 6 3 थीटा वन टी अब ये लगाना है मुझे कैसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि एन आएगा पहले बी बाद में इक्वल्स टू एच डब्ल्यू एम ए और फिर आ जाएगा ये डॉलर. ठीक है नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है ईच सिंबल इन द बॉटम लाइन सिंबल्स सिंबल्स इन द बॉटम लाइन दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली सक्सेडेड बाय द लेटर शुड बी प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी. सी कहाँ है सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी. तो पहले हम लेटर सिंबल ढूंढ लेते हैं. सिंबल दोनों तरफ लेटर सिंबल सिंबल लेटर नहीं है. सिंबल लेटर एक तो ये हो गया सिंबल लेटर ये हो गया दो ही है. ठीक है फर्स्ट सिंबल पिक्ड एट वी डी एक्स. ठीक है फर्स्ट सिंबल पिक्ड फ्रॉम राइट एंड शुड बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी प्लेस. ठीक है सी आर ई
24ZPG9763. पी क्वेश्चन देखते हैं, विच तो फाइनल आउटपुट ओड वन आउट देखना है। फाइनल आउटपुट में थ्री एंड बी, थ्री इधर है, बी लास्ट वाली लाइन में है, नेक्स्ट ए और एम, सॉरी वन और एम, वन इधर, फर्स्ट क्या है, थ्री है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, और बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर है, एक ज्यादा, वन टू थ्री ये भी एक ज्यादा है, पी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब ये कम हो गया तो यही गड़बड़ मिलेगी, बाकी आगे भी चेक कर ही लेते हैं फिर, एक काम करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन इलेवन ट्वेल्व हो गया, और इससे ज्यादा के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये क्या बात हुई, अभी तो दो गड़बड़ होगी फिर मेरे पास तो, पी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ओके फाइव नहीं है, इन्फिनिटी एफ है ये, फाइव तो ये था, तो ये लास्ट वाला गड़बड़ है इधर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लास्ट वाला गड़बड़ है ये, हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर इन द टॉप लाइन द फाइनल आउटपुट सिंबल्स इमीडिएटली नेबर ऑफ लेटर, सिंबल्स इमीडिएटली नेबर्स ऑफ, हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर, सिंबल्स इमीडिएटली नेबर वन टू थ्री, थ्री के बाद फोर हो गया, फोर 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 ही है सिर्फ सिंबल, जो कि लेफ्ट वन वन टू थ्री फोर, फोर ही है सिर्फ, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द टॉप लाइन आर रिमूव्ड एंड पुट एट टू द पुट एट द राइट एंड ऑफ द बॉटम लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एट हो गया, दो चार, तो यहां पर इसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, तो नाइन एट सेवन सिक्स फोर थ्री टू वन, तो ऐसे लग जाए, हाउ मेनी एलिमेंट इन द टॉप लाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन बच गए, ओके, तो अब हमें एक पजल कर लेता हूं मैं, ये पजल कर लेते हैं एक, द सैटेलाइट वॉज सेंट टू एन ऑर्बिट अबाउट एन प्लैनेट, अबाउट ए प्लैनेट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, एवरी ईयर द सैटेलाइट सेंड एन इमेज टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इट, नो टू टू इमेज आर सेंड टू द सेम पॉइंट, वाई जो कि 2008, थ्री इमेजेस वर सेंड बिटवीन वाई एंड सी, वन टू एंड थ्री, टू इमेजेस पी और एस, थ्री इमेजेस वर सेंड बिफोर पी, वन टू थ्री पी, वन टू थ्री पी हो गया, पी और एस में दो का गैप है तो पी और एस इधर हो सकता है, वन टू एस इधर हो जाएगा, आगे क्या है एच, टू पी और एस हो गया, और थ्री पर्सन ये हो गया, एच इज इमीडिएट आफ्टर
H was sent immediate after C. और टू इमेज K और S, तो S इधर नहीं आएगा, ये एक दो S, वन टू K और S हो गया. फिर क्या है, फाइव इमेजेस वर सेंड इन K और H, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी वन टू थ्री फोर फाइव H, एक पहली C, वन टू थ्री फोर C और H, ये कैंसल. अब C में हम ये भी बना सकते हैं, तो वन टू थ्री Y हो गया, वन टू थ्री Y हो गया, Y जो कि 2008 है. P और S का भी कैंसल हो गया, फोर इमेज और H, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर. अब इसमें तो ये लिख ही लेते हैं, वन टू थ्री फोर ओ एंड एच. ठीक है, ए इज इमीडिएट, ए इज इमीडिएट बिफोर वी, वन इमेज वॉज सेंड आफ्टर एक्स, एक्स है उसके बाद वन इमेज ही होगी सिर्फ. ठीक है, ये एंड है. और थ्री इमेजेस एक्स और वी, वन टू थ्री, वी इधर होगा, वी की जस्ट ऊपर है ए, तो ये कैंसिल. ठीक है, और थ्री इमेजेस वर सेंड एम और आर, वन टू थ्री, एम और आर हो गया. फिर क्या, थ्री इमेजेस आर एंड एल, थ्री इमेजेस ही आर और एल के बीच में है. देन थ्री एल इज इमीडिएट, एल सेंड द इमीडिएट बिफोर ओ, एल इधर आ जाएगा एक तो इसमें. ठीक है, ये और L is immediate before O, but not in 2009 नहीं आएगा इधर. ठीक है, as many images sent after M, after M sent before B. ठीक है, आफ्टर एम और बिफोर वी इसका सेम होना चाहिए. एम वॉज सेंड इमीडिएटली आफ्टर वी, तो एम का भी हमें पता चल गया, एम इधर आएगा. अब एक दो तीन इधर आर, और फिर तीन एल भी आएगा, तो एल इधर बना लेते हैं ना. एल वन टू एंड थ्री आर आ गया, फिर वन टू थ्री एम आ गया, लेकिन इससे ऊपर ए और वी आ गया, वन टू एक्स और एक इधर. ठीक है, फिर देन इसमें भी तो हो सकता है ना ये चीज, लेकिन इसके लिए हमें वो एच और ओ इसमें मैंने बना ही दिया है. एक दो तीन चार एम है, एक दो तीन चार इधर बी आ जाएगा. एल और ओ वाई का इसने दिया था 2008. ठीक है, आई थिंक ये बनी क्या यार, मेरा सही कुछ गड़बड़ इसमें दिखी नहीं थी मुझे. देखते हैं, इन विच ईयर बी वो सेंड, बी ने कौन से ईयर में, आठ ही हो गया, तो सात छ पाँच चार लिख लेते हैं. सात छ पाँच चार तीन दो एक. ठीक है, तो बी हो गया 2002. Which of the following image was sent in the year 2024? So, here 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, V. बस ये गलत ना हो जाए. How many images were sent in the, between B or C? B or C? C रहा, B ऊपर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many images were sent after O? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Odd one out बताना है. X जो कि 30. तो ये कितना हो जाएगा, 25, 26, 27, लेकिन ये तो 28 ही हुआ है.
दो प्लस कर दिया, मान लेते हैं वी 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 कहाँ है, वी कर दिया है, इसमें एक प्लस किया इसने, सी सी में भी एक प्लस, तो इसका मतलब यही गलत मिलेगा। ओ ओ 19 है, सही है। पी जो कि 2 ज्यादा, ये भी ठीक है। अभी ये भी नहीं होगा, नहीं बनेगा यार, इतना टाइम नहीं है इसके लिए। तो बाकी एक ये था, एक ब्लड रिलेशन थी वो देख लेते हैं, और ये देखें क्या है, काफी ज्यादा लेंदी है, 5 मिनट में तो नहीं बनेगा। तो ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इसके, 3 क्वेश्चन है, 3 भी हो गए तो भी इनफ है। इन ए फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स, इट स्पेंस अक्रॉस 3 जनरेशन एंड ओनली एंड देयर इज ओनली 1 पर्सन इन द 3rd जनरेशन। ओके, वाई इज बी सन, वाई जो कि है बी का सन है। फिर आर इज द नाइस ऑफ के एंड ए, ये कहाँ बनाऊ मैं, आर इज द नाइस ऑफ के एंड ए। फिर है सी इज मैरिड टू यू मदर, सी इज मैरिड टू यू की मदर। ओके, टी नेफ्यू हैज, टी नेफ्यू, टी है, टी का कोई नेफ्यू हैज 1 सिस्टर। ए इज बीज मदर, ये हो गया बी की मदर हो गई, ठीक है। टी हैज द ओनली 1 चाइल्ड आर, टी हैज ओनली 1 चाइल्ड आर एंड ऑल्सो हैव 2 सिस्टर्स, टी की 2 सिस्टर्स भी हैं, ठीक है। फिर क्या है, हुम वन इज मैरिड, जिनमें से एक जो है मैरिड है, ठीक है। फिर देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, सी है, सी हैज 2 चिल्ड्रंस, सी के पास है 2 चिल्ड्रन, तो सी इधर हो गया और एक और इसका चाइल्ड हो जाएगा। एंड के हैज नो चिल्ड्रन, के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो भाई कैसे बनाए, आर यानी कि के और ए बनेगा, इसको एक बार हटाते हैं, ठीक है। एक तो के हो जाएगा और एक होगा ए, के हैज नो चिल्ड्रन, ए का एक चाइल्ड है ही, बी बी का एक ही हो गया, कितने पर्सन हो गए, 3, 3 6 तो ये हो गए भाई, ठीक है। एंड फिर और मुझे एक ये बनाना है, तो ये बनेगा कैसे, अब इसका तो खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। सी को हम कहाँ फिक्स करें, सी जो है फर्स्ट जनरेशन में ही आएगा कहीं पे, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक ही बोला है इसने, एंड ये भी फर्स्ट जनरेशन ये तो है ही। तो टी नेफ्यू, इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो इधर ही आना चाहिए, बी का ही आना चाहिए, एक और जो भी है उसकी सिस्टर है या फिर ब्रदर है, होना तो इसी तरीके से चाहिए। तो अगर ये है तो फिर ए का ही बन जाएगा ये सी, और एक यू हो जाएगा, यू का एक ब्रदर या सिस्टर, ये हो गया। इनके जेंडर्स कैसे पता चलेंगे, अब टी हैज ओनली 1 चिल्ड्रन, आर का में पता चल गया ये, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, जिनमें से एक अलग भी है, तो एक मेल और एक फीमेल होगा इनमें से, 1 2 3 4, तो ये मेल ही होगा फिर, सीधी सी बात है, आई थिंक ये सही होना चाहिए। हाउ बी इज रिलेटेड टू यू, बी इज रिलेटेड ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, सी एंड डी। हाउ ए इज रिलेटेड टू यू,
ए तो भाई इसकी मदर ही हुई, फिर टी इज सीज, टी इज सीज ब्रदर इन लॉ, सी का तो ब्रदर इन, टी इज सीज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देन फिर के तो ये देख लेते हैं क्या है, स्टेट अथॉरिटीज प्रमोटेड टू इम्पोज ए टोटल फायर बैन थ्रू सैटरडे एज नियरली 100 वाइल्ड फायर आर बर्निंग थ्रू आउट द कंट्री, द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री लास्ट वीक वॉज 105.6 फ़ारेनहाइट डिग्री, टॉपिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 100। ये हो गया ओके, 3 गलत हो गए मेरे, गलत काफी ज्यादा कर दिए मैंने। चलो देख लेते हैं क्या गलती की है, आई थिंक पूरा ही एक ओके। यार ये सही तो बनाया था मैंने, पीस कहाँ है मेरा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार क्या गलती की है मैंने। इधर 88, 54, 97, ठीक है 21, यही मिस्टेक कर दी ना मैंने एक। 8, 9, 17 हो गया, 17 इनको ऐड करने की बात तो यही बन रहा है, 14, 14 और 23 बन रहा है, इधर 9 और 8, 17, 17 और 5, 7 5 12 22 ही आना चाहिए ना यार, 8 2 16, 16 इधर और 7 इधर, इसमें 23 ही बनेगा, ये 24 बना दिया अब इसने। अब इसमें अगर मैं ये स्टेप देखता हूं तो 9, 9 और 8, 17, ठीक है 7 2 14, 24 हो गया देखो, इधर सही है ऐड। भैया इनकी गलती है, अब ये इन्होंने ही गलत दिया है। इन्होंने क्या किया है, 8, 8 और 8, 9, 9 और 7, 9। अब अगर मैं इनको देखो, इन्होंने किया है 8, 8 और 8, तीनों 8 ऐड कर दिए अब इन लोगों ने, तो यहां से अगर मैं 9 इधर 7 2 14 बनेगा ही नहीं भाई, गलत किया यार इन लोगों ने, क्वेश्चन ही गलत किया है। रिपोर्ट का कहाँ ऑप्शन आता है इसमें, रिपोर्ट, इसको मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने भी ये अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो प्लीज आप भी बताना क्या आपका भी गलत हुआ है या फिर मैं ही कहीं मिस्टेक किए जा रहा हूँ अभी भी। ओके तो ये था स्कोर जो बना है 29। अभी ओवरऑल भी देख लेते हैं परसेंटाइल क्या है, तो परसेंटाइल जो है 97.9 है ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट हमारा, मॉक नंबर 2, और आप लोग बताना आपका कैसा रहा, स्कोर जरूर से शेयर करना, और मैक्सिमम प्लीज यही ये ट्राई करना कि आप लोग मुझे ये इनपुट वाला जरूर से बता पाओ कि आंसर क्या मेरा गलत है या फिर सॉल्यूशन में ही गलत है। ओके एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।